फाइनली वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं दीपिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो आपको थंबनेल टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे। तो अभी स्टार्ट होने वाला है बेडिंग सीजन, तो आज मैं लेके आई हूं अगेन आपके लिए एक अमेजन फैशन हॉल, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ हेयर एक्सेसरीज और कुछ मैंने कुंदन सेट बाय किए हैं, ईयर रिंग वगैरह बाय किए हैं, ब्रेसलेट वगैरह बाय किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो बहुत सस्ता होने वाला है। स्टार्टिंग प्राइस है वो 89 रुपीज है, जो आपने थंबनेल में देखा है, रियल में स्टार्टिंग प्राइस ओनली 89 रुपीज है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो मैंने कुर्ती वेयर की है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी छोटा सा अपलोड कर चुकी हूँ, एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आई होप कि फ्रेंड, जो लोग गिव अवे के विनर हुए हैं उनको गिफ्ट रिसीव हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, आपने पार्टिसिपेट किया इसके लिए थैंक यू सो मच। और इस बार मुझे काफी अच्छा लगा आप लोगों ने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया, और भी गिव अवे आएंगे, तो जो लोग विनर नहीं हुए हैं वो लोग होपलेस ना हो। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर एक्सेसरीज एंड कुंदन ज्वेलरी, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट। आप देख सकते हैं ये है कुंदन के ब्रेसलेट। मुझे पैकिंग बहुत अच्छी रिसीव हुई थी, जो ये बॉक्स है बिल्कुल इसी में इसकी पैकिंग रिसीव हुई थी। ये कुछ इस तरह से मैंने एक ब्रेसलेट बाय किया था, देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूरे कुंदन वर्क का कंगन है। लुक दिस, मैं साइड में पिक ऐड करती जाऊंगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से है ये, बहुत प्यारा सा लग रहा है। इस तरह से ये ओपन होता है, तो साइज में फ्री साइज है, देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। मैं आपको वियर करके दिखा देती हूँ वियर करने पे कैसा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से है, बहुत प्यारा सा कंगन है। इसमें आपको तीन का सेट मिल जाएगा, सिंगल भी मिल जाएगा, कॉम्बो भी मिल जाएगा। मैंने ये सिंगल वाला बाय किया है, मुझे जस्ट 89 रुपीज मिला हुआ है, जो कि क्वालिटीज की बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत प्रिटी है। आपको कुछ भी परचेज करना हो आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माय हॉल स्टोर का लिंक, उसमें आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो ये है कुछ इस तरह से लुक दिस, कितना प्यारा सा कंगन है ना, कितना प्रिटी लग रहा है ना, पूरा एक कुंदन वर्क दिया गया है। इसमें आपको दो तीन डिजाइन मिल जाएंगे, दो तीन कलर मिल जाएंगे। अगर आपको मल्टी कलर में नहीं चाहिए तो आपको पूरा गोल्डन में भी मिल जाएगा और पूरा सिल्वर में भी मिल जाएगा। तो ये है आज के हॉल का फर्स्ट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, जो कि बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा। तो फ्रेंड, जो मैंने सेकेंड बाय किया है वो मैंने अगेन एक मांग टी का झुमका सेट बाय किया है। दिस इज फ्रॉम ब्रांड जावेरी पल्स, पैकिंग मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुई थी। ये है मांग टी का झुमका, लुक दिस। तो देख सकते हैं आप कि कुछ इस तरह से पैकिंग मुझे सबकी बहुत अच्छी रिसीव हुई है, कोई प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी टूटा फूटा रिसीव नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर ये इयर रिंग दिया गया है, ये मांग टीका दिया गया है, यहाँ पर ये इयर रिंग दिया गया है। ये पूरा मांग टीका इयर रिंग का सेट है, जो कि बहुत प्यारा सा है, कुंदन का है पूरा, जो कि ग्रीन कलर के और जो व्हाइट कलर के मोती हैं उनका दिया गया है। लुक दिस, कुछ इस तरह से है। ये है इसके बहुत प्यारे से इयर रिंग और ये है इसका मांग टीका। तो मैं इसे वियर करके दिखा देती हूँ कि ये वियर करने पे कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं वियर करने पे झुमका किस तरह से लग रहा है, और ये है इसका मांग टीका, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। आप कोई भी हल्दी का फंक्शन हो या फिर मेहंदी का फंक्शन हो, उसमें आप इन्हें इजीली वियर कर सकते हैं। जैसे वेडिंग सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, और क्या बोलते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे लाइक ज्वेलरी होती है, झुमके, इयर रिंग सेट, अगर आप इन्हें वियर करते हो अपने आउटफिट के साथ तो बहुत प्रिटी लगते हैं। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर हम इनकी वेट की बात करी जाए तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, बहुत प्रिटी सा इसका जो मांग टीका है, इसे आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, और इसकी जो इयर रिंग है वो भी आप सिंगल सिंगल यूज कर सकते हो। तो लाइट वेटेड है, इनकी जो लेंथ वगैरह है वो भी काफी अच्छी है, कुंदन वर्क पूरा दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा कुंदन वर्क दिया गया है, नीचे ये मोती वाला वर्क दिया गया है व्हाइट और ग्रीन से। बहुत प्रिटी सेट लग रहा है, बहुत प्यारा है। और जावेरी पर्ल्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा प्रिटी होते हैं। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, अगर आप बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। जो भी प्राइस रहेगी प्रोडक्ट की मैं साइड में मेंशन करती जाऊंगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी परचेज करना है वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो
मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट बाय किया है वो मैंने अगेन एक छोटा सा ब्रेसलेट बाय किया है जो कि पूरा कुंदन वर्क का है, पूरा डायमंड वर्क का, जो कि बहुत प्यारा सा है। ब्रांड नेम मुझे याद नहीं है, मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। इसकी प्राइस भी मुझे याद नहीं है, वो भी मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। ये देख सकते हैं, ये गर्ल्स के लिए है, अगर शादी में या फिर पार्टी में, छोटे मोटे फंक्शन में वियर करना चाहती है। इस तरह से एकदम पतला सा ब्रेसलेट है, ये बिल्कुल प्यारा सा है। यहाँ देख सकते हैं दो डायमंड दिए गए हैं, जैसे आप पिक में देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही मुझे रिसीव हुए हैं। यहाँ पर पूरे मैं चारों तरफ से छोटे छोटे से डायमंड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा है, एकदम पतला सा। आप कोई पतले सा नेकलेस वियर कीजिएगा, छोटे छोटे इयररिंग साथ में ये वाला ब्रेसलेट वियर कीजिएगा तो बहुत प्रिटी से लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये दो बड़े बड़े कुंदन दिए गए हैं, बाकी छोटे छोटे से ये पूरा कुंदन ही दिया गया है। जैसे आप पिक में देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा। ये छोटी छोटी चीजें आपके लुक को और इनहेंस करती हैं, तो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। इसे मैंने जब बाय किया तो वो बहुत कम प्राइस में था, आई थिंक 89 रुपीज में था ये। अभी इसकी जो प्राइस रहेगी मैं इसकी भी मेंशन कर दूंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अगर ये आपको अंडर 100 रुपीज मिल रहा है तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय किया है वो मैंने बाय किया है एक माथा पट्टी। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, दिस इज फ्रॉम ब्रांड जावेरी पल्स। पैकिंग मुझे कुछ इस तरह से बॉक्स में रिसीव हुई थी। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, आप देख सकते हैं शादी वगैरह पार्टी वगैरह में काफी सारे लोग इसे वियर करते हैं और बहुत प्यारी लगती है। इसे प्यारा भी बोलते हैं और इसे माथा पट्टी भी बोलते हैं। तो ये है फ्रेंड्स माथा पट्टी विद मांग टीका। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, आप देख सकते हैं ये पूरी कुंदन वर्क की दी गई है। यहाँ पर छोटे छोटे मोती दिए गए हैं, बहुत प्यारी सी है। इसे कुछ इस तरह से वियर करते हैं, आप देख सकते हैं। और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज्यादा। तो शादी में, पार्टी में या कोई छोटे मोटे फंक्शन में आप इस तरह से कुछ बाय करना चाहते हैं माथा पट्टी विद मांग टीका, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत प्यारी सी है ये, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। कुछ इस तरह से आप साइड में मैं पिक ऐड कर दूंगी, इस तरह से इसे वियर करते हैं। इसके साथ में मैचिंग के झुमके वियर कीजिएगा तो भी बहुत प्रिटी लगता है। अगर झुमके नहीं वियर करना चाहते हैं तो आप इसे ही सिंगल वियर कर लीजिएगा, बहुत प्यारी सी लगती है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ कितनी प्रिटी है। इसकी डिजाइन बहुत प्यारी सी है और मैंने इसे बाय किया था 500 समथिंग रुपीज में। अब इसकी जो भी प्राइस रहेगी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। देख सकते हैं इस तरह से, जो इस तरह की ज्वेलरी रहती है, जो इस तरह की एक्सेसरीज रहती है, वो शादी वगैरह में बहुत ज्यादा काम आती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय किया है वो मैंने अगेन बाय किए हैं इयररिंग, जो कि ये बहुत कम प्राइस है। मैंने इसे बाय किया है 89 रुपीज में ओनली। बहुत प्यारे से कुंदन के इयररिंग हैं, दिस इज फ्रॉम ब्रांड मून स्टोन। कुछ इस तरह से है, इसमें आपको 2-3 कलर अवेलेबल मिल जाएंगे। मुझे जिसके भी लिंक मिल जाएंगे कलर की, मैं सब ऐड कर दूंगी वहां पर डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये है ब्लू कलर के, मैंने मैचिंग के लिए, बिकॉज मेरे पास एक ब्लू कुर्ती है उसके लिए मैंने इन्हें परचेज किया। आप देख सकते हैं पूरे स्टोन दिए गए हैं यहाँ पर, ये पूरा कुंदन वर्क दिया गया है, जो बड़ा बड़ा स्टोन होता है ना वो दिया गया है। बहुत प्रिटी से है ये, बहुत ज्यादा साइन करते हैं ये, बहुत ज्यादा ही साइन करते हैं। तो मैंने दिखा देती हूँ कि वेयर करने पे ये कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये कुछ वेयर करने पे ऐसे लग रहे हैं। अगर हम वेट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप किसी भी साड़ी के साथ, सूट के साथ इसे वेयर कर सकते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है और बहुत प्यारे से लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। 89 रुपीज में आपको और क्या चाहिए, इतनी प्रिटी सी है ये, इसमें कलर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन मैंने एक इयररिंग बाय किए हैं। ये काफी ज्यादा ट्रेंडी इयररिंग है और काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इन्हें वियर किए हुए देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे परचेज कर लूं, तो मैंने इसे परचेज कर लिया है। ये कुछ इस तरह से हैं, जो कि काफी ज्यादा प्यारे से हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके जो झुमके हैं वो काफी ज्यादा लेंथ में भी काफी ज्यादा हैवी है। बट इनमें मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी, बिकॉज इन्हें मैं पहले बियर कर चुकी हूँ, इन्हें मैं 30 मिनट तक बियर किया था। इनका वेट काफी ज्यादा हैवी है,
तो आप इसे 30 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा वियर नहीं कर सकते हैं। बस यही चीज मुझे इनकी खराब लगी, अदरवाइज ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। देखने में बहुत ज्यादा प्रिटी है बट ये वेटेड है, बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं है, आप इन्हें 1 घंटे से ज्यादा वियर नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका मुझे एक माइनस पॉइंट लगा है कि इतने प्यारे इयर रिंग है मतलब इन्हें हम ज्यादा देर तक वियर नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वालिटी वाइज काफी अच्छे हैं, लुकिंग वाइज काफी अच्छे हैं। तो मैं इन्हें वेयर करके दिखा देती हूँ कि वेयर करने पे कैसे लग रहे हैं। ये देख सकते हैं वेयर करने पे कितने ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं ना ये, लेकिन इनके वेट मुझे काफी ज्यादा लगा है। तो अगर आपको ये थोड़ी बहुत देर के लिए वेयर करना है तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हें परचेज मत कीजिएगा। बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट लेने से कोई मतलब नहीं है जिसमें आप पैसे डालो और उसके बाद में उन्हें वेयर ना कर पाओ। देखने में सुंदर है नो डाउट, बहुत प्रिटी से लग रहे हैं, बहुत प्यारे से है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ये बेटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेटेड है। आपके पास अगर है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये बेटेड है या नहीं है, आपको कैसा लगता है इनको वियर करने के बाद में। मुझे वियर करने के बाद में लगता है कि कब मैं इन्हें जल्दी से इन्हें उतारूं, इन्हें मत पहनूं, इन्हें मत वियर करूं। तो अदरवाइज ये अच्छे है। सेट परचेज किया है वो है कुछ इस तरह से, दिस इज फ्रॉम ब्रांड अगेन जावेरी पल्स। इसकी पैकिंग मुझे इस तरह के बॉक्स में ही रिसीव हुई है, पैकिंग मुझे काफी अच्छी रिसीव हुई है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये है चोकर सेट, इसमें मांग टीका भी है, इयररिंग भी है और इसमें एक बहुत प्यारी सी रिंग भी रिसीव हुई है, कुछ इस तरह से है। आप पिक में देख सकते हैं जैसे पिक में दिया गया है वैसे ही मुझे ये रिसीव हुए है। हैवी सा है ये नेकलेस सेट, अगर आपकी खुद की इंगेजमेंट वगैरह है या फिर खुद की हल्दी मेहंदी वगैरह है तब भी आप उसमें भी इसे वियर कर सकते हैं। देखिए ये है इसका चोकर सेट, ये है इसके इयररिंग, ये मांग टीका और ये है इसकी रिंग जो कि बहुत प्यारी सी है। पूरा कुंदन वर्क दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोती वर्क दिया गया है, पूरा गोल्डन और ग्रीन का पूरा वर्क है हैवी में, जो कि काफी प्रिटी लग रहा है। आपको थोड़े लाइट वेट नहीं पसंद है तो आप हैवी में भी परचेज कर सकते हैं, किसी की शादी में वगैरह में वियर करने में काफी ज्यादा प्रिटी लगेंगे और आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ वियर कर सकते हैं। बिकॉज ये ग्रीन और गोल्डन कलर में है तो ये काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। तो मैं इसे वियर करके दिखा देती हूँ कि वियर करने पे ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं वियर करने पे कुछ इस तरह से लग रहा है। ये है इसका मांग टीका जो मतलब थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, मैं इसे ऊपर कर लेती हूँ हल्का सा। ओके तो ये है इसका मांग टीका और ये है इसके इयररिंग जो काफी ज्यादा हैवी है और ये है इसका नेकलेस जो कि बहुत प्यारा सा लग रहा है, एकदम भरा हुआ है। तो आपकी खुद की एंगेजमेंट भी हो तब भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ मुझे रिसीव हुई है प्यारी सी रिंग जो कि काफी ज्यादा प्रिटी लग रही है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। मैं साइड में पिक मेंशन करती जाऊंगी कि ये पिक में कैसे दिखाए गए थे, बिल्कुल जैसे पिक में है बिल्कुल वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है। अगर हम वेट की बात करें तो इयररिंग इतने ज्यादा लाइट वेट में आपको क्या बताऊं, पूरा एक कुंदन वर्क दिया गया है, यहाँ पर मोती वर्क दिए गए हैं, बहुत प्यारे से हैं और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप बाय करना चाहते हैं इसे तो इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा बहुत सुंदर सा है। तो ये है कुछ इस तरह से। मैंने अभी किए आपके साथ ज्वेलरी सेट आपके साथ जो शेयर किए हैं, आई होप कि आपको पसंद आए। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हेयर एक्सेसरीज। ये वीडियो आई ना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो आप आराम से चाय कॉफी लेके इसे वॉच कीजिएगा। तो मैं हेयर एक्सेसरीज में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी ये जो हेयर बन होते हैं जो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये 2 का कॉम्बो है, ब्रांड है मुझे याद नहीं, मैं इसके में मेंशन कर दूंगी। जैसे पिक में दिखाया गया था बिल्कुल वैसे ही मुझे ये वन रिसीव हुआ था। अगर किसी के हेयर बहुत ज्यादा पतले से हैं और वो चाहता है कि मैं जूड़ा लगाऊं वन लगाऊं तो वो इस तरह से ये बाय कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल जो लोकल हेयर होते हैं उससे बना हुआ होता है, यहाँ पर इलास्टिक दिया गया है। अगर हम इनकी वॉल्यूम की बात की जाए तो काफी अच्छी वॉल्यूम में ये हेयर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो आप शादी वगैरह या पार्टी वगैरह अटेंड कर रहे हो और आपको जल्दी से बन बनाना है जो देखने में भी अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं पिक में कुछ इस तरह से आप बन बना सकते हैं और इन्हें यूज कर सकते हैं। ये 2 का कॉम्पो है, मैंने इसे काफी बार यूज कर लिया है तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं और इसमें आपको कलर भी मिल जाएंगे। मेरे जो हेयर है वो है ब्लैक
तो मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग परचेज किया है। आपने कलर के अकॉर्डिंग परचेज कर लीजिएगा, जो आपके हेयर का कलर है ब्राउन है या फिर रेडिश है या फिर ब्लैक है, उसमें आप परचेज कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा है, काफी रीजनेबल प्राइस में मैंने बाय किया है इसे। तो अभी इसकी जो भी प्राइस रहेगी मैं हाँ इसकी भी मैंशन कर दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पार्टी के लिए या फिर शादी वगैरह के लिए, छोटे मोटे फंक्शन के लिए एक ये परफेक्ट एक्सेसरीज है जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कीजिएगा। तो ये है कुछ इस तरह से, दो को कॉम्बो है, मुझे दो रिसीव हुए हैं, एक मैं यूज कर चुकी हूँ और अभी मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। तो मेरे पास ये है, पैकिंग काफी ज्यादा अच्छी रिसीव हुई थी। एंड फ्रेंड, जो मैंने सेकंड बाय किया है वो मैंने एक कॉम्बो सेट बाय किया है हेयर एक्सेसरीज का, जिसमें कि मुझे ये सब रिसीव हुए हैं कॉम्ब वगैरह, और साथ ही साथ मुझे बन भी रिसीव हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये पफ बनाने के लिए है, और साथ में ही मुझे रिसीव हुए हैं ये वाले कुछ इस तरह से, एंड इसके साथ में मुझे रिसीव हुए हैं ये दो वन, जिससे हम जूड़ा बनाते हैं, ये दो रिसीव हुए हैं। तो मैं वन बाय वन आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मुझे रिसीव हुआ है ये, आप देख सकते हैं। इससे आप मैं साइड पे ऐड कर सकती हूँ, कोई भी हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इससे आप बना सकते हैं। फ्रेंच चोटी वगैरह इससे काफी अच्छी बनती है, तो ये आप बना सकते हैं। साथ ही मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, ये पूरा कॉम्बो सेट है एक, लुक दिस, साथ में एक कॉम्ब भी रिसीव हुई है। ये मुझे दो रिसीव हुए हैं और ये कॉम्ब भी रिसीव हुई है, बिल्कुल पतली सी क्वालिटी, काफी ज्यादा अच्छी है कॉम्ब की, ब्लैक कलर में। और ये जूड़ा बनाने के लिए, बन बनाने के लिए एक ये रिसीव हुआ है। अगर आपको जिस लाइक आपके बाल काफी ज्यादा हैवी हैं या फिर पतले से हैं, तो आप इसे ऐसे फोल्ड करके, जैसे आप पिक में देख सकते हैं, इस तरह से जूड़ा बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं अगर आप कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ये भी रिसीव हुए हैं, जो कि एक कॉम्बो सेट है। मुझे पूरा कॉम्बो सेट रिसीव हुआ था, ये कुछ ये प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आप जो पफ बनाते हैं यहाँ पर, उसके लिए ये वाले तीन रिसीव हुए हैं, बड़ा छोटा एंड सबसे छोटा। ये तीन का पूरा पैक कॉम्बो में ही रिसीव हुआ, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ में मुझे ये वाले भी रिसीव हुए, इससे भी आप पफ वगैरह बना सकते हो। अगर आपके बालों की वॉल्यूम यहाँ पर कम है तो अगर आप उठाना चाहते हो, जैसे भी हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये दो का पैक रिसीव हुआ है। साथ ही साथ में मुझे गोल वाले वन होते हैं ना, वो रिसीव हुए हैं। अगर आपके हेयर की वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है और आप चाहते हो मेरा जूड़ा देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगे, हैवी लगे, गजरा वगैरह लगाना रहेगा, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। ये पूरा कॉम्बो सेट है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। जैसे आप चोटी करोगे उसमें लगा लोगे, साइड में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी किस तरह से है ये, उसके ऊपर से आप इसे हेयर वगैरह ऐसे करके गजरा वगैरह लगा लोगे तो आपका लगेगा आपके बालों का वॉल्यूम काफी ज्यादा अच्छा है और बहुत सुंदर बाल लगेंगे। तो ये मैंने दो प्रोडक्ट बाय किए हैं हेयर एक्सेसरीज के लिए, एक कॉम्बो सेट है, कॉम्बो में आपको सब कुछ मिल रहा है जो भी रिक्वायरमेंट है हेयर के लिए। हेयर एक्सेसरीज काफी ज्यादा प्रिटी है, काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये सब प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा बेडिंग स्पेशल हेयर एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी हॉल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।